पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री মমতা বেনাৰ্জীৰ একলা সোলো নীতিক লৈ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ লগত আছে মমতা বেনাৰ্জী, অকলে নিৰ্বাচন নেখেলে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ প্ৰতিটো দলৰ লক্ষ্য হৈছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে সেই কথা। ভাৰতজোৰ যাত্ৰালৈ সকলো বিৰোধী দলকে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পিছত কোনোবাই জনোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবংগত কাইলৈ প্ৰৱেশ কৰিব কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাই। धन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। इनविटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं नहीं, मैं नहीं दिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई इनविटेशन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है, मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि 3-4 बार खड़गे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूँ किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। पांच न्याय जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहले विचार हुआ और जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रणनीति और मकसद बनाई गई। जैसा कि उन्होंने कहा, ये पांच न्याय, पहला युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, ये पांच न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्तंभ। ये आखिरी प्रेस भेंट होगा असम में, कल से हम पश्चिम बंगाल में होंगे। 26 और 27 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, तो असली तौर से पश्चिम बंगाल में 28 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे तरीके से 28 को ही शुरू होगा। हालांकि कल हम कूच बिहार 1 बजे पहुंचेंगे। तो मैं सभी पत्रकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ 7 दिन चले हैं। हमारा प्रयास रहा है कि आपके जो भी सवाल हैं हम उसका जवाब दें और मैं असम के मुख्यमंत्री को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पूछे बिना भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर पब्लिसिटी दिया असम में और देश भर में। उनके बयान, उनके ट्वीट, उनकी धमकी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और आगे बढ़ाया है। हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं, पर मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने खूब प्रयास किए हमारी यात्रा को सफल बनाने में। राहुल गांधी के खिलाफ, केसी वेणुगोपाल जी के खिलाफ, जितेंद्र सिंह के खिलाफ, मेरे खिलाफ,
गौरव गोगोई जी के खिलाफ, भूपेन बोरा के खिलाफ, सीएलपी लीडर देवव्रत सैकिया के खिलाफ और अन्य कांग्रेस के नेता, असम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। ये एक राजनीतिक एफआईआर है और हकीकत से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखता। सुपुर्द वीडियो फिल्म भी है, सबके पास है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, किसने धमकी दी। हम डरने वाले नहीं हैं, ये एक और धमकी है असम मुख्यमंत्री का, और जो कुछ कानूनी कार्रवाई होनी है हम उसका बिना डरे हुए हम उसका सामना करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलता रहेगा। हम ये मानकर चल रहे हैं अब तक हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है।